अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 39। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे स्केल कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे, हाउ टू यूज स्केल कमांड, पर्पस ऑफ स्केल कमांड, फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट स्केल कमांड। स्केल कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्केल कमांड में रेफरेंस किस तरह अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में हमने रोटेट के ऊपर रेफरेंस अप्लाई किया था, कॉपी का क्या फंक्शन है, रेफरेंस का क्या फंक्शन है और इसके अलावा और भी कुछ कमांड्स हैं उनका क्या फंक्शन है, स्केल क्यों अप्लाई किया जाता है और उसका फ़ायदा क्या होता है। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूँगा। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद मैं एक स्केल के लिए मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ जिस पे आप स्केल आसानी से अप्लाई कर सको। तो स्टूडेंट, स्केल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये कमांड है स्केल, आपको यहाँ पर मॉडिफाई में यहाँ पर दिखें स्केल नज़र आ रहा है, स्केल का फंक्शन क्या है। उसके अलावा आपको स्केल जो है तो आप मॉडिफाई में जाएं और यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा स्केल का फंक्शन। तो ये हमारे पास स्केल और स्केल के फ़ायदे क्या हैं और आप स्केल अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो स्केल की शॉर्ट कमांड होती है एस सी एंटर। तो उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल एक लेता हूँ, एट द रेट 5 फिट कॉमा 5 फिट एंटर, जेड स्पेस ए स्पेस, जेड स्पेस ई स्पेस, ओके। रेक्टेंगल या आप इसमें मैं एक सी एंटर करता हूँ, एम एंटर, मिरर कमांड अप्लाई करता हूँ, एम आई एंटर, हम प्रीवियस जो कमांड कर चुके हैं उस पर मैं काम करता हूँ, सेंटर पे F8, मिरर कमांड, एम आई एंटर, ओके। अब इस पर मैं एक स्केल कमांड अप्लाई करूंगा, स्केल और स्केल का फंक्शन क्या होता है। स्केल के लिए सी एंटर करता हूँ, सेंटर से भी एक मैं मेडल ले लेता हूँ, सर्कल लेता हूँ, सी एंटर, सी एंटर, सी एंटर, सी एंटर, सॉरी ये एकदम से बड़ा हो जाता है, उसके लिए मैंने जूमिंग करनी है थोड़ी सी, सी एंटर, ओके। अब इसके लिए मैं स्केल का फंक्शन अप्लाई करता हूँ। स्केल के लिए मैं इसको सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डायमेंशन चेक करता हूँ, इसकी डायमेंशन कितनी है और स्केल के लिए भी हम डायमेंशन को अप्लाई करेंगे। लीनियर डायमेंशन लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, 5 फिट, 5 फिट के फासले पे स्केल के लिए एस सी एंटर, या फिर आप यहाँ से जाके, तो ये स्केल का फंक्शन है, आप देखें स्केल मॉडिफाई में जाके आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो स्केल आपका अप्लाई हो जाएगा। स्केल पे भी क्लिक करता हूँ, कह रहे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें, कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट आप यहां से करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि जो बेस पॉइंट है स्केल ऑब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है किसी एक साइड से। जब मैं इस कॉर्नर से इसको बेस पॉइंट दूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड पे और इस साइड पे यहां से इस तरह बढ़ेगा। मैं ये साइड, ये वाली साइड देता हूँ तो इस साइड से मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर वाली साइड पे और इस साइड पे बढ़ेगा। मैं ये वाला स्केल देता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड पे और नीचे वाली साइड पे बढ़ेगा। मैं सेंटर से स्केल देता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट चारों साइडों से बढ़ेगा। तो उसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये वाला बेस पॉइंट देता हूँ, इसका क्लिक किया, अब देखें मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट देखें इन दोनों साइड से बढ़ रहा है। तो आपने जितना स्केल चाहिए आप वहाँ तक दें और इसको एंटर कर दें, एंटर करें, तो अब देखें आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, बढ़ गया, नज़र आ रहा होगा आपको 15 फुट का हो गया, मीन चारों साइडों से हमारे पास ऑब्जेक्ट बढ़ गया। स्केल को आप स्पेसिफिक मयरिंग के थ्रू भी आप दे सकते हैं,
तो उसके लिए आप स्केल एस सी एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को बढ़ाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 फुट और बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं 2 फिट करूँगा, एंटर करूँगा, तो आप देखिएगा मेरा ऑब्जेक्ट 120 फिट ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फ़ायदा ये होता है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है, तो इसने 5 को, मतलब 5 फुट और 2 फुट को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है। तो मैं परसेंट बढ़ाना चाह रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए मैं स्केल एंटर करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को 2% बढ़ाना चाह रहा हूँ, 2 एंटर करता हूँ मैं, तो देखिए 2% मैंने अपने ऑब्जेक्ट को बढ़ाया, तो मेरे पास 10 आ गया। 10 मीन 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो मेरे पास ये 10 फिट आ जाएगा। अब मैं फिर दोबारा अगर इसको 2 फुट बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास 20 फिट बढ़ेगा। मेन मैं इसको 2% बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए एस सी एंटर करता हूँ दोबारा, देखिएगा राइट क्लिक। अब मैं इसको सेंटर से फॉर एग्जाम्पल बढ़ाना चाह रहा हूँ, सेंटर से बढ़ाता हूँ, और मैं इसको कितना बढ़ाऊंगा सेंटर से, 2%, तो आप देखिए 20 आ गए। मेन मैंने इसको जब बढ़ाया तो ये 20 आ गया। स्केल में ये होता है कि आप ये परसेंट बढ़ेगा, मतलब उसका दुगना हो जाएगा, 10 के आप 2 करेंगे तो उसका दुगना हो जाएगा। मैं 4 करता हूँ तो ये 80% बढ़ जाएगा, 40% बढ़ जाएगा। तो मैं अगर 20 को मैं फिर दोबारा मैं 2 करता हूँ तो 40% बढ़ जाएगा उसका दुगना, और अगर मैं 4 करता हूँ तो ये 80% बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास स्केल है। अब मैं जब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे एक पूरे के पूरे अंदाजे के मुताबिक मैं जितना इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ उतना ही बढ़े, 10 फुट 5 फुट जितना मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ उतना बढ़े, तो उसके लिए आप रेफरेंस की कमांड यूज़ करते हो। तो रेफरेंस के लिए आप स्केल एस सी एंटर करोगे, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, बेस पॉइंट लेंगे, आप सेंटर से लें जहाँ कहीं से लें, बेस पॉइंट लिया मैंने। रेफरेंस के लिए आप देखें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, रेफरेंस के लिए आप आर प्रेस करेंगे, तो रेफरेंस के लिए मैं आर प्रेस करता हूँ। कह रहे स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, तो पहली लेंथ हमारे पास रेफरेंस कितनी है, 20 है। अब कह रहा है कि स्पेसिफाई अपने सेकंड सेकंड दूसरी जो लेंथ आप देना चाह रहे हो, तो वो देता हूँ मैं 5 फिट, जो सही देना चाह रहा हूँ। तो देखिए पूरे के पूरे 5 फिट भी हमारे पास आ गया। तो ये रेफरेंस का फंक्शन होता है, आप जितना देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं, देख सकते हैं। अब दोबारा फिर जब मैं इसको बढ़ाऊंगा, स्केल इसका बढ़ाऊंगा, एस सी एंटर करता हूँ, 5 ही में बढ़ाता हूँ, 5%। जब मैंने इसको 5% बढ़ाया तो आप देखें 180% वापस बढ़ गया है, देख सकते हैं। तो उसके लिए आप फिर दोबारा से रेफरेंस इंसर्ट करके आप 100% अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, जितना आप चाहते हैं उतना ही बढ़ेगा। तो उसके लिए आप मैं दोबारा फॉर एग्जांपल एस सी एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, बेस पॉइंट लेता हूँ और 5 एंटर करता हूँ, तो देखिए 25% बढ़ गया। मीन 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25। और इसको अपनी नॉर्मल पोजिशन में लाना चाहते हो तो आप एस सी एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और इसको कितना बढ़ाना है आपने, एस सी एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और रेफरेंस के लिए आर एंटर करें, सॉरी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट दिया, रेफरेंस के लिए आर एंटर करें, स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कितने, 25 है। न्यू रेफरेंस कितना देना चाहिए, 5 फुट देना चाहिए, तो देखिए आप बस 5 फिट आ गया रेफरेंस। तो ये कमांड है जी रेफरेंस की, और कॉपी की कमांड आपको मैंने बता चुका हूँ। कॉपी कमांड क्या होती है कि आप इसी चीज़ को कॉपी करना चाहो तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेसन में मैंने कॉपी कमांड भी साथ में की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस कमांड की समझ आई होगी कि आपका स्केल क्या होता है, स्केल आप किस तरह बढ़ा सकते हो अपने ऑब्जेक्ट का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।